दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। पुलिस चौकी सेक्टर 16 पंचकुला की टीम ने शराब के अवैध कारोबार में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान पप्पू निवासी इंद्रिला कॉलोनी सेक्टर 16 के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पंचकुला पुलिस की टीम इंदिरा कॉलोनी के पास गश्त पर थी। इसी बीच सेक्टर 17 की तरफ से एक व्यक्ति अपने कंधे पर थैला लेकर आ रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो भागने लगा, जिस पर पुलिस जवानों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से नौ क्वार्टर और शराब की 12 बोतलें बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट 2020 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 व धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज कर शराब सहित गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी सर, बताएंगे। एक कुछ युवक के साथ एक वो दारू पकड़ी है, क्या मामला सर, कहाँ से पकड़ा, क्या नाम है? हाँ जी, कल हमें एक बंदा ड्यूरिंग द इवनिंग पेट्रोलिंग, तो इंदिरा कॉलोनी में एक बंदे पे पुलिस पार्टी को देख के, जो अपने हाथ में एक प्लास्टिक का थैला लिए हुए था हरे से रंग का, तो वो पुलिस पार्टी को देख के एकदम से इंदिरा कॉलोनी की तरफ गलियों में भागने की कोशिश की, जिसको शक के बिना काबू करके उसके थैले को चेक किया तो उस थैले में से 12 बोतल देसी शराब और 9 पौवे को बरामद हुए थे, जिसका नाम पप्पू है, जो इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है और पहले भी वो शराब बेचता था। जो ये सारी शराब चंडीगढ़ से लाई हुई थी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल इन ओनली फॉर चंडीगढ़। तो सर अभी इन्वेस्टिगेशन पता लगा ये कहाँ कहाँ बेचता था, क्या क्या? हाँ जी, अभी पता चला ये कहाँ कहाँ बेचता था सर शराब? हाँ, यहाँ इंदिरा कॉलोनी में बेचता था जी, क्योंकि अपंग है और कोई काम कर नहीं सकता, और इसकी जो लात है तो वो थोड़ी कंडम है, तो उसका इस करके कहता मैं और कोई काम नहीं कर सकता, मैं थोड़ी बहुत ही दारू लाता हूँ। पंचकुला पुलिस ने अवैध शराब सहित पकड़ा नशा तस्कर।